चौधरी साहब, तहरीक आदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं, ये तो एक अलग बहस है। आप समझते हो अपोजिशन ने अपना आखिरी कार्ड खेल लिया, अपना आखिरी पत्ता शोक रहे? ऑपोजिशन का आखिरी पत्ता कहना तो बड़ा मुश्किल है। देखिए, ऑपोजिशन इसके बाद भी कुछ दोबारा से कोशिश कर सकती है तरीके दम एतमाद का, तो ये पत्ता आखिरी तो मेरी नजर में नहीं हो सकता। लेकिन ये जो तहरीक बन गई थी या ये जो प्रोसेस था जिसके अंदर कि ऑपोजिशन ने ठान ली कि हम ये काम करेंगे, और फिर उसके अंदर उनका एक जिसे कहते हैं बलबला नजर आया, एक इन्वॉल्वमेंट नजर आई, वो लगन के साथ लग पड़े, उसके अंदर जरदारी साहब एक्टिव हो गए, और जहाँ जरदारी साहब एक्टिव हो जाया करें वहाँ पर चीज़ें अमूमन हो जाया करती हैं। तो ये जब चीज़ें आप देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा आप कह सकते हैं कि जो ऑपोजिशन ने एक जो अलम बुलंद किया था उसको अब किसी तरफ सिरे लगाना तकरीबन ज़रूरी हो गया था। तो ये हमने पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन किया है कि ये तो आना ही आना है, क्योंकि इसके आए बगैर चारा नहीं है। दूसरी बात, कुछ टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं कि टाइम पीरियड देखिए, अभी इसके बाद रमज़ान के बाद बजट का टाइम है, और बजट को सेटल होते होते 3-4 माह लग जाते हैं जबकि उसकी डिसबर्समेंट स्टार्ट होती है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये मामला एनीवे अगली विंटर्स में, यानी नवंबर के बाद के मामलात में, और नवंबर में आपको पता है कि एक बहुत बड़ी एक अपॉइंटमेंट होनी है, उसके ऊपर क्या चीज़ होती है, उसका भी फिर एक कुछ अक्स आएगा, और ये तमाम चीज़ें डिटर्मिन करेंगी कि आया एक और कोशिश हो सकती है तरीके दम अतमाद की पोस्ट नवंबर, या ये कि अगले साल फिर इलेक्शन की तैयारी जब स्टार्ट हो जाएगी तो फिर नॉर्मल इलेक्शन ही होगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा, हाँ इस पीरियड की, इस जो जहद है इसकी या इस टाइम की, आप समझिए कि इसके अंदर हाँ ये उनकी आखिरी कोशिश है, इसके बाद फिर अगला दिसंबर नवंबर दिसंबर में भी देखेंगे क्या करते हैं ये लोग।